खुद को समझने के लिए जरूरी है खुद का एनालिसिस करना, और इसी के लिए मैंने डिस्कस माई सेल्फ या एनालाइज माई सेल्फ करके ब्लॉग स्टार्ट करा है। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें मैं आज के पूरे दिन को एनालाइज करूँगी। तो सुबह हुआ तो जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे खुशी के साथ उठना चाहिए, तो जब मैं हल्की हल्की सी सो के उठ रही थी तो मैं अपना टारगेट जो एक मैंने रखा है उसको मेमोराइज़ कर रही थी, मतलब ऑटोमेटिकली मैं बस जो क्योंकि मैंने उसके साथ में अपनी फ़ोटो बनाई हुई है जो मेरा गोल है, तो मतलब जो मेरा गोल है वो फ़ोटो बनाई हुई है उसकी कि ये टारगेट आंकड़े सब कुछ, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर जैसे ही सुबह उठी तो मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी, मतलब मुझे क्रिएटिंग फील्ड में जाना है ऑलमोस्ट, तो जो आपको करना पसंद हो आपको उसमें रस आता है और मुझे रस उसमें बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने ऑडियो डब की, मतलब कि ऑडियो एडिट की, फिर उसके बाद मैं फैमिली के साथ बैठना हुआ, ये सब चीज़ें एक साइड करते हैं। तो अब एनालाइज़ करती हूँ मैं मुझे कि आज मैंने क्या सीखा। आज मैंने सीखा कि किसी को भी अंधेपन से मत स्वीकार करो कि ये जो बोल रहा है उसको मान लो, बस ऐसे ही मान लो। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे तो पूरी लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी, तो कुछ चीज़ें हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये मेरा मानना है कुछ कुछ चीज़ें जो मतलब बहुत ज़्यादा ये हैं कि हाँ मान लेनी चाहिए, तो वो मानने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपका दिल कहे, जैसे कि वो कई लोग होते हैं जिनसे मैं बात करने का, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा ये हो कि, तो वहाँ पे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इंसान, मतलब मैं पर्सनली ऐसे कह रही कई बार कहती हूँ कि नहीं मैं मुझे अभी ये काम करना है। जिंदगी छोटी सी है, मैंने एक मूवी देखी उससे ये मैंने सीखा, आनंद करके कोई मूवी है बहुत पुरानी, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना सर की, और इस मूवी में वो आनंद जो होता है उसको मतलब कि एक बहुत क्रिटिकल बीमारी है उस टाइम पे, उस बीमारी कैंसर का इलाज नहीं होता था उतना जितना उसको दिक्कत था, तो वो उस पूरे के पूरे मूवी में उसको के पास 6 मंथ्स के पास आसपास होता है, और जो एक डायलॉग कई बार सुनाऊंगा कि मुर्सा बाबू मुर्सा है, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, और 6 महीने हो या 70 साल हो, और जब मैं हूँ तो जियो, और जब मैं नहीं रहा तो ज़िंदगी का क्या होगा, तो एक करके कुछ एक बहुत ही हिट करने वाली वो लाइन होती। तो कई दफ़ा हम जिंदगी में वेट करते हुए जीते, नहीं कल से करेंगे, नहीं ये अगली साल से करेंगे, नहीं अभी ये काम नहीं करेंगे, कल से ये काम स्टार्ट करेंगे, इस तरह से हमारी मेंटेलिटी कहीं ना कहीं बनी रहती है। और जब मैंने ये मूवी देखी मुझे इंटरनली ऐसा लगा कि हाँ बात बहुत करेक्ट बोली है। ज़िंदगी में हम ऐसे खुद को खोते हैं, ऐसे खुद में खो जाते हैं कि हमें लगता है कि ना ये चीज़ हम फिर कर लेंगे जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करने में बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा खुद के लिए ही हानिकारक है। तो हमें उसके लिए जो भी हो उसके लिए टाइम ही लगाना चाहिए, और खुश होने में खुद को वो करने में कोई वो नहीं रखना चाहिए कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है। तो एक मैंने स्टोरी भी आज एक पढ़ी, तो उसमें भी ये बताया कि आप आज़ादी वो नहीं है कि जो हम किसी के द्वारा आज़ाद अपने अंदर, मैं खुद को देखूं, मैं सोसाइटी के बहुत सारे नॉर्म से, उन्होंने नहीं मुझे परतंत्र करा लेकिन मैंने खुद को परतंत्र करा था अभी तो काफ़ी, और परतंत्र भी थी उसके साथ आज़ाद भी थी, क्योंकि हर एक चीज़ जो चाहे हुई हो बट मैंने डिसीज़न हमेशा ही वे लिए हैं जो मैं लेना चाहती थी। मैंने किसी के उसमें आके कभी डिसीज़न मेकिंग बस नहीं करी होगी कि इसने कह दिया है तो नहीं ये करना है। जैसे मुझे हॉस्टल में पढ़ना था, मुझे पढ़ना था इसलिए मैंने पढ़ाई की, मुझे साइंस स्ट्रीम लेना था मैथ की जगह तो मैंने लिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखा है कि मैंने डिसीज़न लेने में अच्छी हो, तो जो मतलब किसी के द्वारा नहीं हारती हूँ, अगर मैं हारती हूँ तो मेरी वजह से हारती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ए नहीं ये चीज़ मेरे लिए वैसा
तो ये पूरी तरह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कई दफ़ा हम इतनी कल्पनाओं में इतना खुद को, जो रियलिटी है जो उसका उस दर तक कहीं आना जाना तक भी नहीं होगा, हम उसको भी रियलिटी मान लेंगे, हम उसको भी कुछ भी मान लेंगे। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कम करनी चाहिए। और मैं बहुत बोलती थी एक समय पे, अब मैं उतना नहीं बोलती हूँ। हाँ बोलती हूँ, मतलब काफ़ी हद तक कम हो गया है मेरा बोलना। सुनना पसंद हो गया है, ओसो को सुन रही हूँ। ठहराव सा एक जो है कि हाँ अभी ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, तो इन सब के चलते फिर कि एक साइलेंट टाइम, बिल्कुल पीसफुल टाइम है और चुप रहना है। तो आज के दिन से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। तो 6 फरवरी, यस आई थिंक 6 फरवरी होनी चाहिए, नहीं आज 5 फरवरी। तो 5 फरवरी 2024 का ये जो दिन था, ये मुझे बहुत कुछ सिखाता है। बहुत कुछ ऐसा है जो मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत सारा कुछ ऐसा है जो मैंने बताया है। और आज की इस डायरी के स्पेस से, आज की मेरी इस डायरी में, आज की इस वीडियो डायरी में, बस मैं इतना लिखना चाहूँगी अपने लिए कि आज फिर मैंने बार बार और कई बार सोचा, कई बार सोचने के बाद फिर बार बार सोचा, सोचते 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 पूरा दिन गुजर ना जाए। इसलिए अब काम करने की बारी है। और मैं जैसी हूँ मुझे वैसे एक्सप्लेन करना है, जैसी हूँ, जो भी हूँ, जो भी थॉट्स हैं, बस एक्सप्लेन करना है। हाँ कई दफ़ा लोग कहते हैं बोलना नहीं चाहिए, कम बोलना चाहिए, बट जिसकी जैसी नियति हो, मेरी नियति एक कहती है कि कहीं पे भी लोग हर जगह बन रहे हैं जैसे वो है नहीं वैसे हो। कई लोगों को ऐसा लगता है मैं ओस हूँ, मैं वैसे हूँ, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप के इंसान हूँ, मैं बहुत अध्यात्म को मानती हूँ। भाई ऐसा भी नहीं है, बी पेशेंस। मुझे पैसे का बहुत वो भी रहा है कि ना मुझे पैसे बहुत कमाने हैं, अपनी अपने अपने घर को लेके चलना है, बट फिर मुझे ये समझ में, अगर मैंने इतना सब कुछ कर भी लिया, वो जो जो मैं कह रही हूँ, तब भी मेरी बेसिक लाइफ तो ऐसी ही रहने वाली है। कि जो मेरा नेचुरल नेचर, जब मैं 0 रुपये भी नहीं कमाती थी तब भी ऐसे ही था, जब मैं 8th 12th में अभी थी तब भी जो बेसिक नेचर जिससे मैं मिली हुई हूँ, वो तो वैसे ही रहने वाला है। हाँ बाहर वालों के लिए चेंज होता हुआ बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, बट अंदर से तो एक्सपीरियंस बस चेंज होता है। इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, वो कल तक पता नहीं था, आज ये पता नहीं, बट धीरे धीरे चाह ना चाहते हुए हर दिन जो एक पॉइंट का नहीं, 0.001 पॉइंट का भी मेरे अंदर जो बदलाव आता है उसको मैं एक्सेप्ट कर सकूं। अभी मैं वहाँ पे नहीं पहुँची हूँ जहाँ की सब लोग बात करते हैं, बट मैं उस जर्नी में हूँ। और इस जर्नी में मैं घबराहट भी होती है, इस जर्नी में हर एक इंसान को घबराहट होती है, पता लोग दिखाते नहीं हैं। और मुझे ये चीज़ जो मुझे लगती है, अगर आपको घबराहट हो रही है तो घबरा लीजिए, क्या प्रॉब्लम, क्या घबराने से हम छोटे थोड़े हो जाएंगे, जितने छोटे उससे छोटे होने वाले नहीं है। किसी के आगे दिखावा करके कि ना मैं तो बहुत ही विद्वान हूँ, भाई मैं नहीं हूँ विद्वान। अब एक टाइम था आफ्टर 12th, जब आप टॉपर बन जाते हो किसी क्लास में, सब ऑफिस जूनियर्स आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप रिश्तेदार बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप तब तो गुब्बारे की तरह फूल जाते हो। तब एक टाइम था कि और ये मुझे तो सब कुछ पता है, बट जैसे जैसे मैंने और चीज़ों को जानना स्टार्ट किया, मैंने समझा कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। अच्छी कहूँ या बुरी कहूँ तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। हाँ मैंने एक तरह की सक्सेस तो एक टाइम पे देख ली थी, तो अब मुझे बताएगी बाहर की फेम के लिए बहुत एक टाइम पे लोग बोले मेरे लिए, तारीफें करें मेरी, ये सुनने का बहुत मन था लोगों से। La 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 la
अपने हैं अपने ये सपने। देखते हैं हम दुनिया कितनी है खुश, देखते ओ हम जैसे बी नेचुरल, हम जानवरों के जैसे हैं थोड़े थोड़े, और वो बरकरार रहना चाहिए। हमें हमारे साथ मस्ती करनी चाहिए, हमें बोलना चाहिए। साउंड्स की वजह से हमने गाना ऑलमोस्ट कितना कम कर दिया है। साउंड्स मतलब टेक्नोलॉजी होने चाहिए। देखो इसको ऐसे करते हैं, मतलब इधर ए इधर से ऐसे 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 जाएगा और ए इस तरफ से, इसको ट्राई करना थोड़ा सा वो है, बट इन्हीं में तो मज़ा है। 1 2 3 4 5 6 देखो गलत हो गया, मतलब विदाउट कैमरे के मैं ये कर पा रही थी, लेकिन बिना अब कैमरों में बैठी हूँ तो नहीं कर पा रही, बट आई विल ट्राई अगेन। ओके सो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27। देखिए इतनी बार मैंने कर लिया, ऐसे कई दफ़ा किया जा सकता है। इससे बहुत मतलब ध्यान की बात करें कि मतलब फोकस बढ़ना चाहिए, इससे मेरा फोकस काफ़ी बढ़ता है। और इससे एक बार थंब एक बार फिंगर, इसको मैं कई बार कर सकती हूँ। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 65 66 67 68 70 71 72 73 74 65 70 तक भी जा सकती हूँ, बट दिस इज ऑल्सो एक्सरसाइज। बट मतलब हम बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं, मतलब ये करना है वो करना है, बिग थिंकिंग बिग दिस बिग दैट, इतनी छुटकी सी लाइफ। हाँ क्यों ही हमें किसी चीज़ के पीछे बहुत जबरन, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी हमें खुश होना सीखना चाहिए। मटेरियल की अगर हमारी आदत हो गई है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, कि जब हमारे पास ये आ जाएगा तब हम खुश होंगे, तो नहीं, ये जर्नी से सब कुछ आता है, लास्ट से कुछ नहीं आता है। 12th की क्लास मज़ेदार थी, रिजल्ट तो क्या एक घड़ी का था, 2 महीने तक सबको याद रहा था। यही मेरी लाइफ की वो अचीवमेंट है जिसके बारे में मैं बस बात कर सकती हूँ। पैसे के मामले में अभी उतना ही बात नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे पता है कि पैसे की भी जो पीक आएगी वो मुझे इतना खुश नहीं कर पाएगी। जो ये मेरे पल हैं जिनसे मैं सीख पाती हूँ और इनमें ही मुझे खुश होने की हैबिट होनी चाहिए, ताकि तभी तो मैं कर पाऊँगी। तो बी नेचुरल, मैं रोती भी हूँ, मैं धोती भी हूँ, मैं गुस्सा भी करती हूँ, मैं मनाती भी हूँ, मैं खेलती भी हूँ, मैं कूदती भी हूँ, कुछ करना आता है बहुत कुछ नहीं आता है, बहुत सारी कमियाँ हैं एक आध खूबी है, बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारी ईमानदारी है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा स्नेह है, बहुत सारी ममता है, बहुत सारा तो ये सब कुछ हमारे पास है, बस अर्थे बी नेचुरल, उसको एक्सेप्ट करो।